हेलो स्टूडेंट नमस्कार। ये बहुत ही अच्छी नेक्स्ट को लेकर के खबर है, स्टूडेंट के हित की खबर है। स्टूडेंट के हित का फैसला लिया जा सकता है। बात करते हैं आयुष भवन न्यू दिल्ली की। यहाँ पर मैं आयुष भवन में घूम कर भी आया हूँ। तो आयुष भवन न्यू दिल्ली 12/8/2024 को ये लेटर इशू हुआ है। ऑफिस मेमोरियम है ना, ये ऑफिस का लेटर है। तो सब्जेक्ट है इसका कंस्टिट्यूशन ऑफ कमेटी फॉर एग्जामिनेशन टू रिक्वेस्ट स्टूडेंट रिगार्डिंग नेक्स्ट एग्जामिनेशन रजिस्टर्ड। बात करते हैं जो नेक्स्ट का एग्जाम हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था उसी के लिए आयुष मंत्रालय ने हमको एक आश्वासन दिया था कि हम एक समिति का गठन करेंगे और फिर आपके एक महीने के अंडर में हम आपको फैसला आपके हित में जहाँ तक होगा वहाँ तक करके देंगे, उम्मीद ऐसी हमें आश्वासन दिया था। तो उसमें एक कमेटी का गठन हो गया है, उसका नोटिफिकेशन है ये। द पर्सन्स टू ए मीटिंग ए हेल्ड ऑन ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट आईसी फॉर आयुष एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्टूडेंट ऑफ BAMS BHMS टू डिस्कस द इशू ऑफ द नेक्स्ट एग्जाम ऑफ NCSM एंड NCH। मतलब इनका कह रहा है जो स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया था उसी के रिगार्डिंग में लेकर के होने वाले स्टेट मिनिस्टर हैं आपके आयुष मंत्री, उन्होंने आपको एक मीटिंग का गठन कर दिया है। द कंपोनेंट अथॉरिटी एट द डिसाइडेड द कंस्टिट्यूट ए कमेटी एक्सपर्ट। एक कमेटी के एक्सपर्ट आपके बन गए हैं, उनका नाम भी आ गया। मैं एक एक करके नाम बताऊंगा। अब आप वीडियो को आखिरी तक देखिए अच्छी तरीके से। इशूड द एंड सबमिट इट्स रिकमेंडेशन टू द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष विद इन द मंथ फॉर द डेट कंस्टिट्यूशन। मैं रहा है कि विद इन ए मंथ, एक मंथ के अंदर में आपको इसका रिजल्ट कमेटी दे देगी। नंबर दो पॉइंट है अकॉर्डिंगली फॉलोइंग द कमेटी हैज बीन कंस्टिट्यूटेड बाई कमेंटमेंट अथॉरिटी। ठीक है, अब इनका कौन कौन से मेंबर हैं आपको बता देता हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर संजीव शर्मा वाइस चांसलर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद NIA के डीम्ड यूनिवर्सिटी है, NIA वहाँ के चेयरमैन सर हैं। डॉक्टर रमन डायरेक्टर डायरेक्टरेट ऑफ आयुष गवर्नमेंट महाराष्ट्र, आयुष गवर्नमेंट महाराष्ट्र के डॉक्टर रमन जी हैं, ये इसके मेंबर हैं। और NIA के जो प्रोफेसर हैं वाइस चांसलर ये इसके चेयरमैन है और रमन डॉक्टर मेंबर है। गोविंद सहाय शुक्ला डीन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर। जो जोधपुर वाला आयुर्वेद का यूनिवर्सिटी है उसके जो आपके डीन हैं वो उसके मेंबर बने हैं। प्रोफेसर राकेश शर्मा प्रेसिडेंट बोर्ड इथिक्स एंड रजिस्ट्रेशन NCSM मेंबर। प्रिंसिपल जो बोर्ड है प्रेसिडेंट डॉक्टर राकेश शर्मा भी इसमें मेंबर हैं, बस यही समझिए। श्री निवासन प्रसाद ये भी आपके इसमें मेंबर हैं। डॉक्टर के जगन्नाथ प्रेसिडेंट ये भी आपके इसमें मेंबर हैं। डॉक्टर तरंगकेश्वर जैन ये भी आपके इसमें मेंबर हैं, NCH के हैं, होम्योपैथी के हैं। डॉक्टर राजकुमार ये भी आपके इसमें मेंबर हैं। डॉक्टर आशुतोष गुप्ता ये भी आपके इसमें मेंबर हैं। डॉक्टर CV जया देवन प्रिंसिपल वैद्यमान वैद्य रतनम PS बैरियर आयुर्वेद कॉलेज ये आपका है वहाँ के, ये भी इसके मेंबर हैं। डॉक्टर ए श्रवण ये भी इसके मेंबर बने हुए हैं। देयर द प्रभाकर यादव नेहरू होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज ये स्टूडेंट हैं यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव। श्री दयाशंकर आयुर्वेद महाविद्यालय गंगोर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव ये स्टूडेंट हैं, दो तीन इसमें स्टूडेंट भी ये शामिल किए गए हैं। ये आपके आयुर्वेदिक के हैं और ये आपके होम्योपैथिक के हैं, तो ये अपने आप को अपनी बात को रिप्रेजेंटेटिव इसमें करेंगे। तो ये थोड़ा सा आयुर्वेद होम्योपैथी आयुष और होम्योपैथी के लिए सबके लिए ये एक अच्छी खबर का शुरुआत है। उम्मीद करते हैं कि कम से कम जो CCIM से जो बैच हैं वहाँ तक तो हटना ही चाहिए। अगर वीडियो कैसा लगा हो कमेंट करके बताना, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।